अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो चलो हम शुरू करते हैं। मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यहाँ पे हम 3 अंडों को बीट करके यहाँ पे डाला है। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, इसको अच्छी तरह से स्क्रम्बल करेंगे हम। इसको अच्छी तरह से हमें ऐसा बीट करना है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हम उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फ्लेम को हम थोड़ा हाई रखेंगे। मैंने लहसुन को बारीक काट लिया है। यह अदरक को भी मैंने बारीक काट लिया है। अब उसमें दम डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, यहाँ पे 250 ग्राम। हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। फिर हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब मिक्स करके हम 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। हमने यहाँ पे कैरेट लिया है, मैंने स्लाइस्ड कर लिया है। कैप्सिकम भी डालेंगे इसमें, स्लाइस्ड कर लिया है मैंने। इसको हम हाई फ्लेम में 2 मिनट तक को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं पत्ता गोभी डालेंगे। मैं इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया था, अब वो डालेंगे। इसको भी 1 मिनट तक हम इसको मिक्स करके पकाएंगे। यहाँ पे मैंने कुक राइस लिया है 1 कप। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अब हम इसको टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। हमने वाइट विनेगर डाला है 1 टीस्पून, सोया सॉस डालेंगे 2 टीस्पून। हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने स्क्रम्बल किया था एग्स को, अब उसको भी मिक्स कर लेंगे।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे इसमें। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। अब हमारा रेडी हो चुका है चिकन फ्राइड राइस। लग रहा है ना लाजवाब। आप भी हमारी तरीके से बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।